हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। और जो नया है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। और बाकी अभी मैं नीरज आके वहाँ से निकल रहा हूँ, अभी मैं निकल रहा हूँ बागेश्वर को। तो कल जाना मेरा कैंसिल हो गया क्योंकि कल बारिश लगी थी हल्द्वानी में बहुत। अभी तो थोड़ा धूप है, बागेश्वर में बारिश लगी है, कॉल करके पता लगा तो तब तक रुक जाएगी वहाँ जाने तक। तो नीरज तक कैसा लगा हम आपके वहाँ रुके, जरा मेरी तारीफ कर दो। मज़ा नहीं है। तो अभी तो एल जानिया, अभी सीधे मैं निकलूँ बागेश्वर का और सिद्ध हल्द्वानी में। सिद्ध अभी व्लॉग में तुमको सीधे वहीं मिलूंगा, क्या बोलते हैं, भवाली या कौन सा आएगा सबसे पहले, वो काडू राम से ऊपर रानी बाग से आगे मिलूंगा, क्योंकि अभी मैं गाड़ी चलाऊंगा तो व्लॉग नहीं बना पाऊंगा, छिलड़ी साइड मिलूंगा। तो अभी निकलता हूँ। मैं कह रहा हूँ इससे कि खाना ना खा जाना कि उजर बदल ठहर जाना है, लेकिन थोड़ा क्या पे आ जाऊँ बल पेट में, क्या पे के नहीं हूँ थोड़ा, फिर सुबह सुबह पेट भरा हुआ अच्छा नहीं लगता। और इसमें देखो श्री वाला बोल के दिखाओ तो, ए श्री क्लोज द वाइजर, ए श्री ओपन, दूसरी श्री बोलने लग गए। दोस्तों अभी मैं भीमताल पहुंच गया, गाड़ी चलाते रह रहा हूं, ब्लॉग बनाते रह रहा हूं, थोड़ा साइड में खड़े हो जाता हूं। तो अभी मैं जो है ये भीमताल पहुंच गया और जो सीन है यहां का ऐसा, अभी मौसम भी बड़ा काव हो रहा, काव काव मौसम हो रहा, गाड़ियाँ आ रही। तो थोड़ा मैंने कहा रुक के पहले ब्लॉग बना लेता हूं और जय माता रानी, फिर बटन बंद कर दूँ। ये छू भीमताल, अभी मैं जा रहा हूँ बागेश्वर को और भीमताल पहुँचा हूँ। चलते चलते ब्लॉग नहीं बना सकता बिकॉज अभी भीमताल पार करता हूँ, फिर आपको मिलता है जहाँ से न्यूट्रल होता है, ठीक है, वहाँ से थोड़ा गाड़ी न्यूट्रल चलेगी तो फिर मैं एक ऐसे फ़ोन से ब्लॉग बना सकता हूँ। खाली रोड होती है तो वहाँ सेफ है ब्लॉग बनाना, तो वहाँ से मैं ब्लॉग बनाता हूँ भवाली से आगे, ठीक है। तो अभी चलते आगे को और जहाँ तक तो मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, ये रही गाड़ी और ये मैं बैठा हूँ। और अभी बागेश्वर पहुँचना है, कहीं बारिश लागू, एक रेनकोट ले लिया हमील हल्द्वानी से, रेनकोट लिया मैंने, इसमें रखा है, मैंने कहा कहीं बारिश लगी तो शर्ट पहनेंगे और सीधे चल जाएंगे, ठीक है। तो अभी निकलता हूँ भवाली से आगे, फिर आपको मिलता हूँ और फिर दिखाऊँगा अच्छे से। तो अभी पहुँचा हूँ मैं कैची धाम, कैची धाम पहुँच चुका हूँ और थोड़ा सा कैची धाम के ऊपर हूँ बैंड में, थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ। बैठी बैठी भीड़ में पीड़ है यार, बैठे बैठे महंगे पिछवाड़े में दर्द होगी, मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, बैठता हूँ। और ख़तरनाक भयंकर गर्म, ना गर्म नहीं मतलब बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन हो नहीं रही, और मेरे को नहीं लग रहा बारिश होगी, कहीं बढ़िया हो जाता अगर बारिश नहीं आएगी। और जब भी मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं रेनकोट लेता हूँ ना बारिश का मौसम देख के पहले, तो बारिश उस दिन होती नहीं है, जिस दिन मैं रेनकोट नहीं लेता हूँ उस दिन बारिश होती है। और गाड़ी पीछे खड़ी है और तुमको थोड़ा दिखाता हूँ, यह है तुम्हारी भाई की गाड़ी, पूजा पाठ करके आया तुम्हारा भाई और मस्त यहाँ पर खड़ी है। अभी चलते हैं, बैठी बैठी भीड़ में पेड़ है गई, मेरे को थोड़ा रेस्ट कर लूँ। और पिछाड़े पर कुछ यस लुक छू जैल, पहली ब्लॉग नहीं देखो, ये ब्लॉग में देखा, पहले में जानी बागेश्वर से हल्द्वानी से बागेश्वर अकेले और मस्त गाड़ी को लेके हुए आराम से आराम से। तुम्हारा भाई भी मस्त करके जा रहा है और आज थोड़ा जाम नहीं है कैची धाम में यार, कमी लग रहा है, मेरे को कमी दिख रहा है, वरना गाड़ियाँ ना पूरा यहाँ से भवाली भीमताल तक भरे रहने वाली है जाम से गाड़ियाँ। ये देखो तुम्हारा भाई जा रहा है मजे से भयंकर घूमते हुए। बाकी जो चैनल में नया, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। आगे से आ गया श्री कैची धाम पार्किंग, पार्किंग आगे जा कैची धाम का पार्किंग होता है सामने है। और मैं भी जा रहा हूँ, अब जाम वाली एरिया आ गया तो मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा, ब्लॉग बनाना बंद करना पड़ेगा और मेरे को निकलना पड़ेगा। और यह है कैची धाम की पार्किंग, दिखाता हूँ। ये देखो कैची धाम की पार्किंग, कैसी पार्किंग लगी देख रहे हो, ये देखो कैची धाम, सामने कैची धाम मंदिर है इधर, और जाम ऐसा लग रहा है इधर, देखो भीड़ भड़ाका, खूब थरी भीड़ भड़ाका, मतलब पहले से कम है ना, नहीं तो और दिन तो बहुत जाम रहता है, आज कम भीड़ है। वो है सामने मंदिर, जय कैची धाम, जय नीम करौली बाबा, पीछे तक गाड़ियाँ बहुत तगड़ा सीन, महंगा टूटा टूटू महंगा कमर पीट मेरे अलग रहे हैं। कैची धाम से आ गया अभी थोड़ा सा फ्री हूँ और सीन शॉट ऐसी है, बाकी थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ अभी गाड़ी लेके, दस बार बताओ अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा आवाज़ फड़फड़ फड़फड़ हो रही होगी, साफ नहीं आ रहा होगा तो इसलिए चलते चलते ब्लॉग बनाना वो हो रहा है। और कितने लोग बोलेंगे भाई गोप्रो ले लो, गोप्रो भी मंगा रहा हूँ, गोप्रो भी ले रहा हूँ, अभी जब लूंगा तब लूंगा, अभी जब तक फोन अपना तब तक इससे बना रहा हूँ, प्रो वो प्रो भी जल्दी लाऊंगा, फिर अच्छे अच्छे क्वालिटी में वीडियो आएंगे। और तब तक यार इसे का सब्सक्राइब कर दियो। तो दोस्तों अल्लाह भी खैरना पहुँचने वाला, जो खैरना पहुँचने वाला हूँ मैं, चलो फिर अभी आगे मिलता है। तो दोस्तों अभी खैरना साइड लग गई बारिश, खैरना से आगे आगे मतलब खैरना क्रॉस हो गया, खैरना है पीछे और अभी लग गई यहाँ बारिश, तो मेरे को पहनना पड़ता है रेनकोट, रेनकोट है पहनना पड़ा यार, खाली भिगजून शॉर्ट वाला रेनकोट। अभी मुँह खैरना से पीछे, खैरना वो देखो काट गोदाम मोट गोदाम, आपको बताया अभी होने लगी बारिश, रोड की गीली।
अब पहनता हूँ रेनकोट जो लाया हूँ, काम तो आया, कुछ तो काम आया। नीचे पूरी बारिश नीचे, ये खतरनाक सीन। हेलो हेलो भाई, कैसे हो? की हाल बा? बढ़िया बढ़िया, क्या हाल है? बधाई हो। धन्यवाद भाई, गाड़ी की धन्यवाद। कौन मिले वहाँ? कौन है? सेलिब्रिटी है यार, तो हाल रुका मैं। तो अभी मैं जो बैठा था, गाड़ी आ रही थी पीछे को, इसमें है हमारे नाम भी भूल गया मैं, अभी पता करता हूँ, रुको। सच में ये भाई लोग थोड़ा गाड़ी चेक कर रहे थे, कैसी लगी? बहुत बढ़िया राइड रही, बहुत शानदार है पिकअप इसका, जबरदस्त है। बधाई हो हमारे भाई को काम में। और हमको यहाँ गाड़ी में माया दी भी बैठी है, इनका प्रोग्राम है। प्रोग्राम आज अल्मोड़ा है ना? आज अल्मोड़ा प्रोग्राम है, वहाँ प्रोग्राम करके आ रहे हैं। प्रोग्राम ही प्रोग्राम कर रही माया दी है। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, फिर निंजा ही निंजा होगा, बोरा भी रखा होगा पीछे भी पैसों का। पैसा ही पैसा इसकी टंकी के अंदर होगा। अरे यार लड़का चाहिए था पैसा गिनने के लिए यार। चाहिए मेरे को? रख लो ना, गरीब आदमी मेरे को पाल लो। क्या होता है पैसे गिनते गिनते टनान निकाल लूंगा अगले साल। क्या होता है पैसा, मैं पैसे की लगा दूं फेरी। कैसी लगी? सही लगी बहुत। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा था खैरना से आगे कुंवारा पहुंचने वाला, तो हमें मिले हमारे बाबा जी। आप कितना लंबा मतलब चल रहे? मैं भगवान, मैंने ये अपनी कांवड़ यात्रा मैंने रामेश्वरम से चालू करी है, दक्षिण भारत से। तो पहला ज्योतिर्लिंग मेरा रामेश्वरम है, दूसरा ज्योतिर्लिंग है अपना श्रीशैलम, ये अपना दोनों पड़ते हैं उधर आंध्रा में। बढ़िया बढ़िया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतना पाप बढ़ रहा है सृष्टि के अंदर, समझ लो कि 3 साल में और 4 साल में लोग भागो ने पाप करना बंद कर दिया ना तो ठीक है, और नहीं तो लोग भागो ने धर्म करना करा तो ठीक है धर्म, और धर्म नहीं करेंगे ना लोग भाग, ये सृष्टि को बचाने वाला कोई है ही नहीं। क्यों? एक पाप इतना खतरनाक आ चुका है, समझ लो लड़कियों ने ऐसी ऐसी गंदी गंदी वीडियो बना रही है और ऐसी ऐसी गंदी वीडियो छोड़ रही है। अब ये बताओ यार, कौन पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री के पास जाकर बच्चा पैदा करेगा? ये पाप नहीं है तो और क्या है, ये बताओ। सही बात। तो बाबा आप आओ और मैं भी चलता हूँ आगे को। ठीक है, आराम से आना। हाँ, मेरे से जितनी हेल्प हुई मैंने करी। ठीक है, आराम से जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो गाइस मिलते हैं आगे को, चलता हूँ अल्मोड़ा मिलता हूँ। तो अभी मैं पहुँचा हूँ अल्मोड़ा भाई जी के होटल के वहाँ, और हमें मिले स्कूल के बच्चे। कैसे हो? मस्त। कितने कितने में मिले, क्लास बताओ सब अपनी। मैं 10th में हूं। ये 10th में सबसे बड़ी है, और ये हैं? अरे इधर इधर 9th में पहुंच गई थी। तो जब 9 में तो हम इतना रह गए थे यार, घुड़ जा तुम तो मेरे बच्चे। अरे बाबा, तो ये सब मिले हैं मेरे को मेरी छोटी बहनें। हेलो बोल दो। हेलो। बाइक बाइक वाली वीडियो देख ली थी? हां। आगे करके ये देख, कैसी लग रही है? छोड़ भी दो नीचे। क्या कर रहे हो? छोड़ भी दो नीचे। चलो फिर, हाँ बाय 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 बाय। चलो बाय बाय, ओके 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 भाई। बुबू ने हमको खिला दिया समोसा, बुबू यहाँ समोसा खाया, अब हम जा रहे हैं ठीक है। और इनकी दुकान है यहाँ पर, धीरू रेस्टोरेंट, धीरू स्वीट्स शॉप ना, साप शॉप, सॉरी साप जो कह रहा हूँ। तो अभी हम चलते हैं दादी, बहुत अच्छा लगा समोसा खा के। तो दोस्तों खाना पीना खा खू के अल्मोड़ा में, अब मैं निकल चुका हूँ कसार देवी से आगे, कसार देवी से आगे हूँ, जंगल वाली एरिया है, प्लेन रोड है, राम राम से जा रहा हूँ। भीड़ है जानी यार, और जो वाला मौसम बोड़ा, कल्ला कल्ला छिटूड़िया, कल्ला गाय बजाना, पता ना बाकी सर पहुँचते तक बारिश आती नहीं आती पता नहीं, देखते हैं। और गाड़ी चलाने में मतलब मजा आ गया यार, क्या मजा आ गया। आगे इनको किचनियो, ए टू टू टू। अरे बब्बा हो, अरे गाई गाई है, जैसे रोड घेर के बैठ, जैसे रोड घेर के, जैसे चलान काटने आए होंगे ऐसे रोड घेर के बैठे होंगे। ये देखो मजा आ रहा, नहीं आ रहा दोस्त बताना। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, आहा तोड़ना टिटा टिटा टिटा। स्कूल की बहुत जा रही आगे से। तो दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूँ अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा में हूँ, अल्मोड़ा नहीं, अल्मोड़ा से आगे हूँ मैं ताकुला में, ताकुला भी नहीं यार, मैं पहुंच गया काफली गैर, ठीक है मैं पहुंच गया काफली गैर। बारिश लगी थी बहुत खतरनाक, तो ब्लॉग बनाना भूल गया था मैं बारिश की वजह से। तो दो भाई मिले मुझे यहाँ के बसौली के, एक भाई का नाम दीपक था, दीपक था, तो भाई को थैंक यू। फिर उसने मेरे को आधे रास्ते तक रेनकोट ला के दिया, अपना रेनकोट पहनवाया, फिर मैंने उसके रेनकोट पहन के आया भाई का, फिर मैंने बसौली से आला रेनकोट लिया, और बारिश हो रही थी वहाँ को बहुत तेज, यहाँ को तो कम होने लग गई। मैं भी हूँ काफली गैर में, देखो क्या लोकेशन है नीचे यार, क्या प्यारी लोकेशन है, देखो
और यहाँ को बारिश कम हो रही, वहाँ को तो बहुत तेज बारिश हो रही थी भयंकर। मैं भीग गया, मेरे कपड़े गीले, फिर मैं रुका एक जगह, फिर मैंने अपने कपड़े बड़े निचोड़े। उसके बाद मैं आगे को भाई लोग मिल गए थे, फिर तो उन्होंने रेनकोट दिया, फिर जैसे तैसे बसौली तक आया, फिर बसौली से मैंने ये लिया रेनकोट, ये यूजन थ्रो वाला। तो अभी चलता हूँ बागेश्वर को, और ऐसी सीन है फिर यार। ये देखो दोस्तों, ऐसी कीचड़ वाली रोड हो रही है भयंकर, ये तावला की देख सकते हो तुम, भयंकर पूरी खतरनाक। हेलो हेलो, बहुत खतरनाक हो रही, बहुत खतरनाक रोड देख रहे हो तुम, ये तावला वाली नहीं है, क्या बोलते हैं, काफली गेट से नीचे, बहुत खतरनाक भयंकर खाली बुरी कर रही थी रोड, कहाँ सब सभी रोटी कहाँ देख रहे हो तुम। ये हाँ रामल चल रहा हूँ, मैं भयंकर खा रब तुल मैं बापा हो यार, भयंकर इतनी खतरनाक रोड होती है भयंकर। अब भाई अब मेरे को रख लग रहा है, फोन रखना पड़ेगा, दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ना पड़ेगा भैया, देख रहे हो तुम इतना खतरनाक हो रहा है बाबा हो, पूरी रोड हो रही पूरी रोड भूरी हो रही भयंकर, करने में ऐसे डर लग रही ना। और आजकल यहाँ पूरी रोड खराब है, पेड़ कटे अगल बगल और पूरी नीचे गिरी है पूरा रोड, देख रहे हैं ये पेड़ कटे भी, यहाँ तो कम हो रहा है, आगे बहुत गंदा हो रहा है, आगे साइड को ना पेड़ कटे तो बहुत गंदा हो रहा है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर रुका हूँ, मैं आ रहा हूँ चौगाव छीना घूमते हुए, क्योंकि नीचे से रोड बहुत गंदी हो रही, बहुत गंदी, क्योंकि वो वहाँ हो रहा काम, मेरे को दुकान एक दुकान पे रुका, मैंने कुछ खाया, उन्होंने बोला नीचे से मत जा, भूला एक अंकल मिले, उन्होंने कहा ऊपर के रास्ते जा, क्योंकि नीचे वाली जो रोड है ना बहुत गंदी हो रही, तो उसने कहा मेरे को चौगाव छीना घूमते हुए 2 किलोमीटर का फर्क है बस। और यहाँ पर मैं इसलिए रुका, यहाँ से क्या नज़ारा, और बागेश्वर भी दिख रहा, थोड़ा मैं दिखाता हूँ, वाह ये देखो ये क्या नज़ारा है, वो सामने बागेश्वर दिख रहा हो, क्या नज़ारा है, क्या सीन है। और गाड़ी अपनी यहाँ पर खड़ी है, मट्टी ऐसे हो रही, पीछे मट्टी मट्टी होगी, दिमाग ख़राब हो गया मेरे को, आपको नीचे धुलवा के ले जाना पड़ेगा, बहुत मट्टी होगी इसमें, दिखाता हूँ मैं तुमको, थोड़ा तो मैंने पानी से फेंक दिया, इधर भी मट्टी गिरी थी पानी से फेंक दिया, नीचे देखो पूरी गंदी हो रही है। अभी इसको मैं वो नीचे कहीं साफ़ करवाऊँगा, फिर ले जाऊँगा घर को, और थोड़ा भील पीड़ है गया, दिमाग ख़राब हो गया। तो ऐसी यार जो चैनल पर नया लाइक कमेंट शेयर करना, और अब मैं बागेश्वर पहुंचने वाला, बाकी का देखो व्लॉग बना नहीं पाऊंगा, इतना ही था, तो मिलते हैं नए व्लॉग में, और जो चैनल में नया सब्सक्राइब करना, और बाय बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में, ठीक है। अभी मैं इधर पे हूँ, इधर पे एंड कर रहा हूँ व्लॉग, क्योंकि मैं फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला हूँ, फिर कब बढ़ूँ मैं, एंड कब करूँ, कब एडिट होगा, तो ठीक है मैं इसके लिए चलता हूँ, और मिलता हूँ नए व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।